बाकी जो बचा था काले चोर ले छोटी नानी अच्छी। ये हमारा मोबाइल भी ले जाएगा। बजरंग बली के भक्त दर्शन करते हुए कहा दिया नहीं उसने भी। जब तुम्हारा कल दरवाजा बंद हुआ था कैसे लगा वैसे कुछ टाइम के लिए? ऐसे लगा हम जेल में बंद हो गए। अच्छा घर की उस तरह का यहाँ लकड़ी का कारोबार अभी भी देखने को मिलता है और ये अपनी उस सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ पे कुछ भगवान की मूर्ति भी दिखाई दे रही ऊपर में, ये देख लीजिएगा यार। हेलो जी नमस्कार, आज हम जा रहे हैं शिमला घूमने और आज हमारे साथ में हमारी बेगम देखो कितनी चमक रही है और पीछे डॉगी भी जा रहा है शेरू और उसके साथ में यामिनी भास्कर। तो आगे दिखाते हैं आपको। ये जा रहे हैं भैया, हम निकले हुए हैं जस्ट चंडीगढ़ से अभी। आगे को आगे हमारे एक आगे आगे जा रही देखो 007 एक भाई साहब और चल रहे हैं अपने साथ में। ये लग गई रेड बत्ती, ये गाड़ी चल रही है 017H8081 VIP नंबर है भैया। ये देखो ये गाड़ी भी चल रही है, नंबर नहीं दिखाते कभी वीडियो में। ये भी चल रहे हैं हमारे साथ में, ये रेड बत्ती निकाल दी हमने। चलो आगे जाके देखते हैं इन पहाड़ियों पे क्या क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं, वसूली कसौली से थोड़ा सा ऊपर है और रास्ते में जाम लगा हुआ है। हमारा शेरू भी बेचारा परेशान है, तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कितना जाम लगा हुआ है। बहुत बेहतरीन एकदम ऑल वेदर रोड है ये और बहुत प्यारी रोड है, बहुत मस्त। ये हम अपने शेरू को थोड़ा सा बाहर घुमा रहे हैं, अभी हवा दे रहे हैं इसको। और ये देखिएगा हिमाचल और अपने उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं है। बहुत प्यारे सा ये चीड़ का पेड़ का जंगल आप देख सकते हैं। ये गांव है सामने, ये रोड है। तो ये देखिए इसके पार भी इस तरीके का है और थोड़ा सा रोड में देख के रुके हुए हम अभी। ये देखिए पहाड़ियाँ, सामने वाली पहाड़ी पे गांव, जूम करके आपको दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। ये हमारे होटल में चाय पानी चल रही थी, ये बासु है, ये हमारी मैडम है। जी गुनु गुनु दोस्तों, ये है शिमला से 14 किलोमीटर पीछे का मार्केट और यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना और बहुत बेहतरीन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब हम लोग अल्मोड़ा पहुँच गए हैं। और उसी तरीके का मार्केट भी है यहाँ पे और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे निकलते हुए, तो अच्छा मौसम है, नेचुरल एसी यहाँ पे आपको मिलेगा। ये भैया हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में हिमाचल अभी। ये जा रहे हमारे नेगीदा की गाड़ी 017। तो दोस्तों अभी मैं एक जगह पे रुका हूँ हिमाचल, यहाँ से सामने दिख रहा है शिमला, तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वैसे तो शिमला और अपने अल्मोड़ा में कोई फर्क नजर नहीं आया मुझे, फिर भी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि शिमला किस तरीके से का देखते हैं। चलो आइए दिखाता हूँ। ये है दोस्तों शिमला,
सेम अल्मोड़ा का तरह यहाँ पे है, अल्मोड़ा की तरह यहाँ पे काफी सारे जो है घर बने हुए हैं। मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ तो शायद आपको उतना अच्छा व्यूज नहीं दिखे। ये अल्मोड़ा की जैसी पहाड़ी और इस पहाड़ी पे बसा हुआ पूरा शिमला। लोग हो गया भाई, नीचे ये होटल और ये होटल का रिसेप्शन, ठीक है, सिटिंग प्लान, ये रूम है होटल का, सॉलिड रूम। और भी अलग रूम दिखाता हूँ आपको एक। सेरू क्या कर रहे हैं? सेरू क्या कर रहा है? ये पायदान फाड़ रहा है फिर। नहीं फाड़े, मनाने जा रहा, मनाने जाओ। बेडरूम ठीक हो ना? हजार रुपए में ठीक हो? बढ़िया ना दी हैं? ठीक हो, बढ़िया हो। अल्मोड़ा में कैसे मिलो? रन खेत में अल्मोड़ा में है, हजार रुपए में ना? सेम अल्मोड़ा जो हुआ उसी ना थी। ये देखो ये जोजो जोजो घूम रहा है हमारे साथ। मैडम का दरवाजा लॉक है, कब खुलेगा पता नहीं। देख दोस्तों, चलो हम आपका आज हमारा होटल का टूर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रिसेप्शन है और फिर उसके बाद यहाँ पे है रूम नंबर 3। अंदर से भी दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, एक मिनट। तो ये है हमारा रूम नंबर 3। सो यहाँ पे है, देखिए कुछ ऐसा है। यहाँ एक बेड है और एक टीवी और एक मिरर एंड देन इट्स अ क्लोजेट। और यहाँ से है विंडो और यहाँ से आपको शिमला का मस्त नज़ारा दिख सकता है। और कुछ टूरिस्ट है जो शीरू से मिलने गए हैं, बेताब हो रहे हैं शीरू के लिए। लोग रात के 10 बज चुके हैं। यह है शिमला का व्यू एकदम अल्मोड़ा की तरह। सिम अल्मोड़ा की तरह लग रहा है। अल्मोड़ा में भी ना पंखे पंखे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बढ़िया है, चिल है एकदम चिल। हाँ है मस्त मस्त है ना। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइज, उठ चुके हैं हम। ये व्यू दिख रहा है सुबह सुबह का। बजाल फोटो फर्स्ट क्लास फोटो सेक्शन, फोटो सेक्शन ठीक लग रहा है। कसवल मड़ का जो होने चाहिए हैं, छत बढ़िया होने दो, छत लेंटर वाल छत हैं। फोटो सेंसन चल रहा है। एक खास बात हो रही है, पंखा भी नहीं देखो है ना।
लाल लाल लिपस्टिक होंठों पे, ये कैसे लग रहा है होंठों पे, ये देखो कहीं कहीं चलो ठीक है, अब जब भैया आ जाएंगे फिर आ जाना एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दीदी फिर। हाँ ठीक है ठीक है बाय। अरे कहाँ लगा रहा भाई, सुनो कहाँ लगा रहा, बहुत है तो छोटे बोल रहे दही दे दो, कैसे बाउल में दे रहे थे चले दोस्तों देखते हैं, अभी हम शिमला मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो चल पड़ते हैं आगे को। ये है दोस्तों फर्स्ट माल रोड पे तारा देवी मंदिर, और सबसे पहले हमने यहाँ पे दर्शन किए हैं तारा देवी मंदिर में, दर्शन करते हुए श्रद्धालु ये आपको दिख रहे हैं, और इस पे जो है काफ़ी सुंदर लकड़ी की आकृति बनाई गई है, बहुत प्यारी सी आकृति है, और ये कलाकारी आजकल देखने को बहुत कम मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही ये देखिएगा लकड़ी की कलाकारी किस तरीके से बनाई गई है, जैसे हमारे पहाड़ों पे पहले बहुत पहले चौखट बनाए जाते थे घर के, उस तरह का यहाँ लकड़ी का कारोबार अभी भी देखने को मिलता है, और ये अपनी उस सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ पे कुछ भगवान की मूर्ति भी दिखाई दे रही है ऊपर में, ये देख लीजिएगा यार, ये देखिएगा, तो इस तरह से लकड़ी की बहुत प्यारी सी कलाकारी दिखाई गई है। यह है दोस्तों हिमाचल की पुलिस, आप देख पा रहे हैं हिमाचल की पुलिस है, काफी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हुए गाड़ियों को पास कराते हुए, ओमन हिमाचल पुलिस है, और हिमाचल के जंगलों में देवदार के वृक्ष और बुरांस और भी अन्य बांज पीपल ये सब देखने को मिल रहा है आपको, और यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं यहाँ पे, और मौसम काफ़ी ठंडा और सुहाना अपने उत्तराखंड की तरह, सेम लाइक दैट अल्मोड़ा नैनीताल भीमताल एंड भवाली लाइक क्लाइमेट इज हेयर। हम लोग इसीलिए आए थे कि एक्सप्लोर करने की, मतलब अपने पहाड़ों में और यहाँ पे क्या फ़र्क है करके, वही देख। बहुत दूर है, हाँ घूमेंगे कैसे, और यहाँ पे मैडम जो है ट्रॉली ले रही हैं बच्चे को रखने के लिए, कुछ नहीं चढ़ना नहीं, नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे आईपीएल के मैच चल रहे हैं और फर्स्ट क्लास फ्लैग लहरा रहा है, आप देख सकते हैं ये माल रोड का जो है पूरा व्यूज, माल रोड का व्यू है ये,
शिमला माल रोड। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देवदार के वृक्ष। क्या बोला? चल 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 कहीं नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया है, यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ जाओ। अरे आ रही आ रही, तुम इधर को देखो, इधर को मुंह करो। जब तुम्हारा कल दरवाजा बंद हुआ था कैसे लगा वैसे कुछ टाइम के लिए? ऐसे लगा जेल में बंद हो गए। अच्छा सुनो अमित भाई, आए गोलगप्पे पानी पूरी पंत से पापड़ी चाट है जी। मैं डाल देता हूँ ऑनलाइन। छोटी नानी अच्छी नानी गुस्सा रुस्सा छोड़ दे नन्ना 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 नन्ना। बहुत अच्छा गाते हैं यार भाई, तुम भी गाए? गन्नी गन्नी तो गाए थे कुछ गा दे। शिमला का हनुमान मंदिर, हनुमान की मूर्ति है, बहुत हाइट है। हाँ हाइट की है। ये देखो बंदर भी घूम रहे हैं यहाँ, देख लिया बंदर। देवदार के वृक्ष। बस फोन दे, यहाँ से खींचती हूँ। इधर से खींच। बहुत ही अच्छी मौसम, बहुत अच्छा हवा है। ये देख लो भैया, ये है मंदिर और मैंने शेरू को भी देखना है। हवा बहुत सुंदर सी आ रही है, बहुत प्यारी आ रही है। और इसके नीचे जस्ट शिमला दिख रहा है। तो देवदार के वृक्षों के बीच में ये मंदिर है और ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जैसे हमारे वहाँ हरिनाग मंदिर में होता है, जो बड़े बड़े पहाड़ों में हाइट में जो मंदिर होते हैं वहाँ पे जैसे ठंडी ठंडी हवा आती है बिना कूलर एसी का, उसी टाइप का फील हो रहा है यहाँ। हाँ मैंने दिखा दिया। ये बस कैसा लग रहा है तुझे? सही लग रहा, वो दिखाओ। दिखा दी मैंने, 108 दाने की वैजयंती माला है। कितनी ऊंच, कितने साल लगेंगे इसको बनने में? अब ये तो नहीं पता, थोड़े बहुत ही लगे होंगे। ये भैया यहाँ पे जो है बंदर चश्मा और मोबाइल आराम से ले जा सकता है। और दे देगा अभी? नहीं देगा, कैसे देगा? अरे अभी छोड़ देगा, वो चश्मा दे देगा। मेरा ले लिया, सीधे सीधे कंधे में चला, चश्मा निकाल लिया। ना भैया चश्मा नहीं देना उसने, अभी लगाऊंगा बोल रहा हो ये। भाई दे दे, हेलो चश्मा दे दो। ये हमारा मोबाइल भी ले जाएगा। चलो नीचे चलें। जय हो प्रभु, जय हो, जय बजरंगबली की जय हो। असली जय हो प्रभु, नजर ही नहीं पहुंच रही। चढ़ा दो, लड़की चढ़ाते हैं। अरे चढ़ा,
जय श्री राम, जय श्री राम। खोल दो ना, आपने तो कहा था कि मम्मी नीचे हैं। वो रुकने के लिए बोला था, तुम आगे आ गए थे, तुम आगे आ गए थे, फिर दो पापा को बोला था, उनको बुला लो। चलो चलो ठीक है। हमने कितना बड़ा मंदिर हमें तो पकड़ा जाता है, क्या करा हुआ इसे पिछाड़ी ना कंधे में जंप मारा, कंधे बड़ा शर्ट आता है इसे चश्मा के शर्ट ले ली, और साइड से पकड़ने बंदर आ जाएंगे। बजरंग बली का असली भक्त है वो, किसी ने नहीं पसंद है नहीं। अभी क्या किया मैंने, बजरंग बली के भक्त दर्शन करते हुए कहाँ दिया नहीं उसने भी। आ जाओ, चलो फोटो खींचता हूँ तुम्हारी, यहाँ पे खड़ी हो जाओ। कोई नहीं, चलो अंजू हेलो। हाँ जी, मोबाइल तो मोबाइल से क्या करेगा वो, बंदर को प्रसाद दे दिया है। नहीं नहीं चल, यहाँ पे मंत्र लिखे हुए हैं हर जगह, हनुमान जी के, हनुमान जी के मंत्र लिखे हैं। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर हाय दुख हर हुनी पाटा, जय गिरजा घर जय। उसको तो साक्षात दर्शन हो गए बजरंग बली के, है वो किस्मत वाली है जिसके चश्मा बंदर ने लगाया। अभी शाम हो चुकी है और शाम का नजारा इस तरीके का है शिमला में, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल चकाचक चौथ मालमा माल रोड है। देखते हैं हम एक मैडम के रूम में जा रहे हैं इधर। अरे इतनी ही कम है, जग लेके जाना वापस देना। नहीं है ना तुम्हें सब कुछ, पर कैमरा मेरे दिख रहा है और आंखों से अलग दिख रहा है। आओ फोटो खींच लो, बासु कैसे लग रहा है शिमला नाइट नाइट व्यू माल रोड का, उधर देखो किधर कितनी भीड़ है, आगे तक दिखाना, यहाँ को दिखाता हूँ। जो जो आपकी वीडियो में आए होंगे वो लकी होंगे। ये दोस्तों शिमला नाइट का, शिमला नाइट का माल रोड का नाइट व्यू आप देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वॉकिंग हो रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वॉकिंग कर रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ से इस तरीके का है, ये
मैंने ये वीडियो देख ली तो बहुत खुश हो जाएंगी। ये हनुमान मंदिर, जय हनुमान जी की। ये देखो भाई, हमने पनीर, रायता, रोटी, देखो भैया बिल्कुल घर की तरह एकदम स्मार्ट और सुंदर और बहुत ही प्यारा खाना है इस होटल का। कैसा है बासु खाना, कैसा है, कैसा है बताए, बता जल्दी बता, सुनो कैसा है खाना, ये हमने बताएगी। अच्छा, कैसा है, घर टेस्टी। कौन सा होटल है ये? अतिथि। अतिथि, बहुत तगड़ा खाना है, मस्त खाना है, मजा आ गया भाई। वाह, ये हमारा सेरू भी बैठा है यहाँ पे। सेरू तुम क्या खाओगे, रोटी खाओगे ना, देता हूँ तेरे को। इतने नजदीक से आपने बंदर को देखा कभी? ए ले, हाय, ये सामने वाला दिख रहा है ऊपर चर्च है ना, यही है बस। हाँ, घूमने वाली मतलब जगह यही है बस, एक चर्च होगी और माल रोड होगी, इसी के अंदर है माल रोड पूरा। वो चर्च दिख रहा है, इस पे भी कोई खास हुआ नहीं है, मतलब ऐसी नॉर्मल घूमने वाला सही है। ये दोस्तों माल रोड के ऊपर में एक चर्च है और यही है घूमने वाली जगह, बस चर्च मतलब एक है और ऐसी माल रोड के ऊपर ही है ये। और माल रोड में अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको सीढ़ियों का, ये सीढ़ियों से भी जा सकते हैं यहाँ ऊपर, और इसके अलावा यहाँ से एक लिफ्ट भी है और लिफ्ट में 20 रुपया पर पर्सन किराया है, आप चढ़ सकते हैं। ये ऐसी बिल्डिंग है, यही होटल है, इन्हीं होटलों में आप रह सकते हैं। 3,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का किराया है इसमें, ठीक है। तो ये है, अभी हम यहाँ की सेवा समाप्त करके चल रहे हैं आगे को। ये भैया हिमाचल की ऐसी बिल्डिंगें होती है हिमाचल में, देखो देवदार वृक्ष के अंदर। ये सामने वाला टिन सेट देखो, ये टूरिस्टों के लिए स्पेशली बनाया जाता है। इस तरह की बिल्डिंगें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको मनाली रोड पर, शिमला रोड पर सॉरी। ये ऊपर वाला देखो कितना बढ़िया मस्त है ना, ये देखो ये विधानसभा विद्यालय, बस अड्डा, ये सब है, संजोली कुकरी सब यही पड़ता है, लक्कड़ बाजार, एसटी शिमला। ये है